सूर्य सुंदर लोकनाथ ममतम वेदांत सारं शिवं ज्ञानं ब्रह्ममयं ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप हृदयं वंदे सदा भास्करं एक घंटे पहले मैंने सेल में लेकर उनकी पिटाई भी की थी, लेकिन तब भी इनमें से कोई नहीं सोया। ये मरीज अभी कैसे हैं? जनरल वार्ड के ज्यादातर मरीज अभी भी नॉर्मल नहीं है सर। मजबूरन हमें कुछ करना पड़ेगा सर। सावधानी से काम करना। नो प्रॉब्लम सर, आई विल मैनेज। क्या ये वही आदमी है जो रात भर बिना सोए चिल्लाता रहा? हाँ सर, यही है। तो फिर उसे प्राइवेट ब्लॉक में शिफ्ट कर दो। हो जाएगा सर। इसे भी साथ में शिफ्ट करना है सर। सेल नंबर 13 के एक पेशेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं सर। हाँ हाँ। इसे खींचकर पीछे वाले बिल्डिंग में लेकर जाएंगे। वो रहा सर, इसे प्राइवेट ब्लॉक में शिफ्ट कर दो। जल्दी करो, कर दो, जल्दी करो। जाओ। चलिए सर, उस ब्लॉक में एक औरत है जो ट्रीटमेंट के लिए सुटेबल है। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। कहाँ ले जा रहे हो? सर, पुलिस आ रही है सर। हेलो डॉक्टर। आइए इंस्पेक्टर, कैसे आना हुआ आपका? कुछ दिन पहले हमने एक पेशेंट को एडमिट करवाया था, क्या अभी तक उसने कुछ कहा? कौन? दरअसल वो एक पागल था जो 3 हत्याओं का गवाह था। सर, जब आपने उसे भर्ती कराया था तो उसके केस की हिस्ट्री में सिर्फ उसके नाम की डिटेल्स थी, लेकिन वो कौन है, किस तरह का आदमी है या उसका कैरेक्टर क्या है, उसके बारे में कुछ नहीं था। कोई शांत स्वभाव का है या उसे एटीट्यूड है या फिर एम्बिशियस है, वो किस तरह का काम करता था, ये अगर हमें पता चल जाए तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसे कैसे ट्रीट करना है। पेशेंट के डिटेल्स बहुत जरूरी होते हैं। यस डॉक्टर, आप जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो हमारे पास है,
लेकिन उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, इसलिए हमें उसके बारे में पता लगाने में इतना ज्यादा समय लग रहा है। ये लीजिए। ओहो, थैंक्स। दिस इज व्हाट वी नीड। इफ यू डोंट माइंड सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि जिस दिन हत्याएं हुई थी उस दिन क्या हुआ था? मुझे शहर के राजा जी नगर के ब्लॉक में 4 हत्याएं हुई हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी। इन्फॉर्मेशन मिलते ही हम लोग मौके पर गए, लेकिन वहां पहुंच कर देखा तो 3 लोगों की मौत हो चुकी थी और उनमें से एक आदमी की हालत गंभीर थी। हमने उसे माल्या हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उसके कान से खून बह रहा था। उसका टेस्ट करने पर डॉक्टर ने कहा था कि वो मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है और उसने यहाँ एडमिट करने के लिए कहा। अब अगर वो नॉर्मल होकर घटना के बारे में बोलेगा तब पता चलेगा कि ये हत्याएं किसने की, उसका मकसद क्या था या फिर इन सब हत्याओं के पीछे किसी ग्रुप का हाथ था। मैंने अपने करियर में आज तक ऐसा केस कभी नहीं देखा। एक साइकोजेनिक एमनीसिया पेशेंट का इलाज करना और उसे ठीक करना, उसके बाद उसे 3 हत्याओं का गवाह बनाना, ये एक चैलेंज है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ और मैं इसे नए तरीके से हैंडल करूंगा। वेलकम मिस्टर अरुण कुमार, कंग्रेचुलेशंस। जैसा तुमने सोचा था, तुम्हें पुलिस ऑफिसर की जॉब मिल गई। डिपार्टमेंट में शामिल होने से पहले तुमने पुलिस डिपार्टमेंट के कई मामले सुलझाए हैं। इस बार मैं तुम्हें अपना केस सुलझाने की एक बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूं। तुम्हें उस आदमी के बारे में पता लगाना है जिसने कैथरीन को किडनैप किया। स्टीफन राज। अभी कुछ दिन पहले हमारे डिपार्टमेंट को सूचना मिली कि वो शातिर स्टीफन राज पिछले काफी दिनों से करुणामयी मेंटल हॉस्पिटल में छिपा हुआ है, लेकिन जब हमारी पुलिस ने वहाँ पूछताछ की तो चीफ डॉक्टर ने बताया कि हॉस्पिटल में इस नाम का कोई पेशेंट नहीं है। स्टीफन राज पर न केवल कैथरीन की किडनैपिंग का आरोप है बल्कि वो 3 मर्डर्स का भी अक्यूज्ड है। हमने अपने एक आदमी को गवाह के तौर पर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। उसके ठीक होने के बाद उसके बयान से ही पता चल सकेगा कि ये हत्याएं स्टीफन राज ने की थी या किसी और ने। ऐसे में कल ही चीफ डॉक्टर ने कंप्लेंट फाइल की है कि गवाह उस हॉस्पिटल से भाग चुका है। ये रही इस कंप्लेंट की कॉपी। मुझे लगता है कि वो स्टीफन राज हॉस्पिटल में छिप रहा है और गलत इन्फॉर्मेशन देकर हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है कि वो गवाह वहां से भाग गया है। वो स्टीफन राज उस डॉक्टर से कैसे जुड़ा है? क्या वो पेशेंट जिसने 3 हत्याओं को देखा वो अभी जिंदा है? क्या सच में अभी तक कोई हॉस्पिटल से भागा भी है या नहीं? कैथरीन को क्या हुआ है? तुम्हें वहां जाकर ये सब पता लगाना होगा। आखिर में एक बात और बताता हूं मिस्टर अरुण, तुम अभी के अभी उस मेंटल हॉस्पिटल में जाओगे। इट्स अ वेरी सेंसिटिव प्लेस। वो ये आसानी से साबित कर सकते हैं कि मर्डर नेचुरल डेथ है। तुम्हें वहां बहुत सिंसियरिटी से काम करना होगा। अगर तुम ये केस सुलझा लेते हो तो वी विल क्रिएट अ रिकॉर्ड। प्लीज कम एंड कलेक्ट योर फूड। दिस इज डॉक्टर एस कुमार, न्यूट्रिशन फूड स्पेशलिस्ट इन इंडिया। आज ये लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? वो अब्दुल कलाम के स्टूडेंट है क्या जो आप उनसे अंग्रेजी में बात कर रहे हो? इसमें मैं क्या करूं? मैं तो अब्दुल कलाम का स्टूडेंट हूं ना। पहले ये सब अपने सेल में रहकर ही खाना खाते थे, लेकिन डॉक्टर के ट्रीटमेंट की वजह से वो इस लेवल पर आ गए हैं। आपको इंग्लिश बोलते सुनेंगे तो वापस सेल में चले जाएंगे। Shut up, shut up. I don't know what you know. You don't know what I know. You know? English, English. Hey, come on, come and collect your food, man. You nonsensical, stupid idiots. Come on, take it. Excuse me. What English? I brush English, I drink English, I flush English, I sleep English, I work English and dance English. What English? You don't know English. कल से हिंदी में बात करो। ले जाइए। ओह, अब्दुल कलाम के शिष्य। Take it. इनका coordination बड़ा अच्छा है। मम्मी रिटर्न्स। Hey, इधर आ। खाना मिलने के बाद तुझे क्या कहना चाहिए? Thank you. थैंक यू। भगवान, कितनी जोर से मारा इसने। म्यूजिक
म्यूजिक डायरेक्टर साहब, बस करो, गाना बंद करो। तुम्हें प्रोड्यूसर चाहिए क्या? मणिरत्नम तो मेरी तलाश में आ रहा है। कोई यार रहमान को भी बुला लो। कौन बुलाए? उसे ऑस्कर अवार्ड मिला था और उसके बाद वो दूसरी फिल्म में काम करने लगा। उसी सिलसिले में मणिरत्नम मुझे तलाश करते हुए आ रहा है। मणिरत्नम तुम्हें लेने के लिए आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। ये लो अपना हारमोनियम, तबला वहाँ जाकर गाना बजाओ। जाओ ले जाओ ले जाओ। बेवकूफ पिच बिल्कुल सही है, पकड़ लो। ऐसी धुन फिर कभी नहीं मिलने वाली है। अरे बेवकूफ, ये कौन सी धुन है? तबला तुमने बहुत सही बजाया। चलो हे इधर आ। तू ऐसे बदबू फैलाकर क्यों बताता है? बोल कर बताया कर, बोल कर। अरे कौन हो तुम? कौन हो तुम? ये ड्रेस तुझे वॉचमैन की तरह दिखती है क्या बेवकूफ? अब मैं स्टाइल है। ए, पागलों की तरह लोगों को क्यों मार रहा हो? पागल बोला? रुको, क्या है? तुम अपने आप को समझते क्या हो? खुद को कोई हीरो समझते हो क्या जो गुंडों की हड्डियां तोड़ता है? हेलो मिस्टर, ये हॉस्पिटल है और वो बेचारे वार्ड बॉय हैं। तुम उन्हें मार कर क्या साबित करना चाहते हो? बोलो क्या चाहते हो तुम? Who कौन? I am Dr. यश कुमार, न्यूट्रिशन फूड स्पेशलिस्ट ऑफ इंडिया। मैं हॉस्पिटल में सबको अन्न देने वाला अन्नदाता हूँ। ट्रीटमेंट के लिए आए हो क्या? ब्रेड, दूध, चावल, करी, सब कुछ दूंगा तुम्हें। What happening? Who are you? Being a police officer, क्या आप नहीं जानते कि हॉस्पिटल में आना और स्टाफ के साथ मारपीट करना एक बड़ा ऑफेंस है? अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछिए। I am Dr. Manjunath and I take care of everything here. What do you want, sir? Stephen Raj. यहाँ पर स्टीफन राज नाम का कोई आदमी नहीं है। मैं यहाँ ये जानने के लिए आया हूँ कि आप उसे यहाँ पर क्यों छुपा रहे हो। यहाँ रहने वाला स्टीफन राज कोई आम आदमी नहीं है। 3 लोगों की हत्या के गवाह को वो मारने के लिए आया है। जिसका ट्रीटमेंट यहाँ पर चल रहा है उसे अगर कोई मारने यहाँ पर आता है तो उसके लिए खुद को पहले हम जिम्मेदार ठहराएंगे। तो यहाँ पर अब तक कुछ हुआ नहीं है और ना ही होने देंगे। तो इस हॉस्पिटल में स्टीफन राज नाम का कोई भी आदमी नहीं है। स्टीफन राज यहाँ है या नहीं इसका फैसला तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले तो आप मुझे उस पेशेंट से मिलाइए जो उन हत्याओं का गवाह है। हम आपको यहाँ किसी भी पेशेंट से नहीं मिला सकते। पुलिस के हवाले सिर्फ क्रिमिनल को किया जाता है, लेकिन पेशेंट को पुलिस से मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने आपके डिपार्टमेंट को बता दिया है कि हम उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे और बाद में उसे आपको सौंपेंगे। फिर भी अगर आप उसे मिलने की जिद करते हैं तो एक बात बताइए कि अगर उसकी जान को खतरा हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या आप ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं? कैन यू? ठीक है, मत मिलाइए मुझे उस पेशेंट से, लेकिन मैं स्टीफन राज का तो पता लगा कर ही रहूंगा। कैथरीन जिसे उसने किडनैप कर लिया था, वो
उस स्टीफन राज को मैं इस हॉस्पिटल से खींच कर ले जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आपके मन में जो शंका है उसे दूर करना हमारा पहला कर्तव्य है। अगर आपको लगता है कि हमने स्टीफन राज को छुपाया है तो आप उसे खोज सकते हैं। हमसे जितना हो सकेगा उतना सपोर्ट हम आपको जरूर करेंगे। डॉक्टर सुनील। यस डॉक्टर। आप जरा एक काम कीजिए, हमारे हॉस्पिटल के जो स्टाफ क्वार्टर्स हैं वहां इनके रहने का इंतजाम करो। ओके। प्लीज कम सर, प्लीज। यहाँ का सारा काम हो गया ना? हाँ सर, हो गया। जाओ, सामान वहां रख दो। ये है आपका रूम। मिस्टर अरुण कुमार, इस हॉस्पिटल के अपने रूल्स और रेगुलेशंस हैं, स्ट्रिक्टली उसे आपको फॉलो करना होगा। आपको वही खाना खाना पड़ेगा जो स्टाफ और डॉक्टरों को दिया जाता है। आप बाहर से कुछ नहीं ला सकते। एंड वन मोर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रिंक्स एंड सिगरेट आर नॉट अलाउड इन दिस कंपाउंड। ओके। ये क्या है? जो लोग मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं और अपनी सोच में खोए रहते हैं, जस्ट लाइक हिम। हर इंसान के अंदर एक अच्छा और एक बुरा रूप होता है। एक संत को दिखाता है और एक राक्षस को, दोनों अलग अलग। ये चित्र कुछ ऐसे लोगों को दर्शाता है जो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाते। ये वही है। डॉक्टर, आपको नहीं लगता कि उसका यहाँ रहना रिस्की है? क्या तुम जानते नहीं कि अगर हम मना करेंगे तो वो कैसे बर्ताव करेगा? देखा ना हॉस्पिटल में कैसे एंट्री की उसने। बट वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा और कब जाएगा, ये सब सोचकर डर लगता है डॉक्टर। एंड यू नो, वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। हमने उसे यहाँ अनुमति नहीं दी है, उसे सिर्फ एडमिट किया है। हमें उसे यहाँ अकेले घूमने की अनुमति नहीं देनी है। उस पर हमेशा नजर रखने के लिए एक लेडी असिस्टेंट को रखूंगा। लेडी असिस्टेंट? वो कौन है डॉक्टर? माया। माया को वेकेशन से तुरंत आने के लिए कहो। वेकेशन से वापस आ गया है। मुझे अच्छी तरह से पता था मेरा लव मुझसे मिले बिना रह नहीं सकता। उसे देने के लिए फूल भी खिला है। 30 दिन के वेकेशन पर गई थी लेकिन एक हफ्ते में ही वापस आ गई। मुझे अच्छा लगा। ये न्यूट्रिशन फूड स्पेशलिस्ट ऑफ इंडिया, दो कौड़ी का डॉक्टर। बैड फेलोज। एस कुमार को देखे बिना तुमसे रहा नहीं गया ना? हाँ, सुनो, इस हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जिनमें कुछ की शादी हो गई है और कुछ की रही, और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनमें मैं अकेला डॉक्टर हूँ जो। क्या तुम? नो। माया, तुम्हारी स्माइल कमाल की है, जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। यहाँ के सभी डॉक्टरों के बीच मैं अकेला हूँ जो स्मार्ट है, ब्रिलियंट है, हैंडसम है और ग्रेट पर्सनैलिटी वाला डॉक्टर है। एक्चुअली मैं इतना स्मार्ट और हैंडसम हूँ कि कहीं भी कटोरा लेकर भीख मांग सकता हूँ। बेवकूफों, इतनी देर से मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? ये सब लोग जलते हैं मुझसे ना। माया, प्लीज वेट, आई वॉन्ट टू टेल यू माई फुल फीलिंग्स। बस थोड़ा मौका दो, प्लीज वेट माया, प्लीज। अच्छा, तुम शायद काफी देर से पीछे कुछ छिपा रहे हो, क्या है वो? कैसे बताऊं, मैं इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तुम्हें इसे खुद फील करना होगा। सुनो, कमी ना कहेगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। माया, प्लीज माया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग, प्लीज कम। लिसन माया, इस बार
तुम्हारा ये काम है। इस नए मरीज का ध्यान भटकाने के लिए तुम्हें किसी भी हद तक जाना पड़े तो जा सकती हो। I'll take care, doctor. Excuse me. May I come in? Hi, I'm Maya. Doctor Manjunath ने आपकी help करने के लिए भेजा है। Help? किस टाइप की हेल्प? मुझे क्या जरूरत है? इस हॉस्पिटल में मेरा ध्यान भटकाने के लिए तुम जैसी लड़की को भेजा गया है ताकि मैं यहाँ जो खिचड़ी पक रही है उस पर ध्यान ना दे पाऊँ। मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। अगर किसी असिस्टेंट की जरूरत पड़ी तो मैं उसे डिपार्टमेंट से हायर कर लूंगा। अगर आप किसी को हायर करते हैं तो क्या उसे इस हॉस्पिटल के बारे में पता चलेगा? कितने वार्ड हैं, कितने हॉस्पिटल में पेशेंट्स हैं और किस तरह के पेशेंट्स हैं? तो तुम दिखा सकती हो पेशेंट्स कहाँ छुपाए गए हैं? क्या तुम इस हॉस्पिटल के इलीगल एक्टिविटीज के बारे में मुझे बता सकती हो? क्या तुम जानती हो कि स्टीफन राज कहाँ पर है और कहाँ छुपा कर रखा गया है उसको? स्टीफन राज नाम का यहाँ कोई पेशेंट नहीं। हर कोई यहाँ पर यही कह रहा है कि मुझे नहीं पता। तुम नहीं जानती कि मैं क्या जानता हूँ और मैं नहीं जानता कि तुम क्या जानती हो। मुझे ये पता लगाना है कि इस हॉस्पिटल में आखिर चल क्या रहा है। क्या मेरे बाप ने मेरी माँ को धोखा दिया? ये तुम्हारे लिए हंसने वाली बात है? तुमने मुझे कब बताया कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारी माँ को धोखा दिया? नहीं बताया था क्या? अपनी उस असिस्टेंट को आप ऑफिस तक नहीं रख सकते थे? यहाँ लाने की क्या जरूरत थी उसे? ये क्या पागलों की तरह बोल रही हो? ऐसा क्या हो गया जो ऐसे सवाल पूछ रही हो? और फीमेल असिस्टेंट की जरूरत क्या थी? किसी मेल को हायर नहीं कर सकते थे क्या? तुम मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो। मेरे हिसाब से शीला इतनी काबिल है कि वो किसी भी केस को चुटकी बजाकर सॉल्व करती है। मैंने नहीं बताया था? इसका मतलब आपके हिसाब से कोई भी आदमी इस काबिल नहीं है? मेरी बात सुन लीजिए, अगर आपने उस औरत को नहीं निकाला तो। माँ, आप पापा के साथ क्यों लड़ रही हो? पापा तो बहुत अच्छे हैं। तुम अपना मुंह बंद ही रखो, हमेशा अपने पापा की अच्छाई ही दिखाई देती है। जाओ यहाँ से। आपने बोला था आप पुलिस ऑफिसर हो, लेकिन बादल के गरजने से इतना डरते हैं आप? डर नहीं है बल्कि पीड़ा है। माँ, पापा कहाँ गए? कब तक आएंगे वो? शीला ने उस केस की स्टडी इतनी बारीकी से की कि वो केस आसानी से सॉल्व कर दिया मैंने। हेलो, सुनिए, मेरा बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो बस पहुँचते ही होंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, डॉक्टर तो बाद में आ जाएंगे, पहले आप तो घर आ जाइए। मैं शीला की बर्थडे पार्टी पर हूँ, अभी मैं घर नहीं आ सकता। सरस्वती, हटिए! तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को बहकाने की? सरस्वती, क्या है ये? एक आईएएस ऑफिसर के साथ इस तरह बिहेव कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है? गेट आउट, गेट आउट, गेट लॉस्ट। ऐसे ही बारिश में मेरी माँ पिताजी की दुनिया छोड़कर मुझे ले जा रही थी, इसलिए ये तूफान और बारिश मुझे उसी घटना की याद दिलाते हैं। मम्मी, पापा आ गए। मम्मी, पापा, आप इतने दिनों तक घर क्यों नहीं आए? अब मैं तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद मेरे और तुम्हारे बीच कोई झगड़ा ना हो इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। ये लो इनविटेशन, देख लो। तुम्हें फैसला लेने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही फैसला ले चुकी हूँ। ये लो। चलो बच्चों। डिवोर्स नोटिस। ए, ए, सरस्वती, सरस्वती, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। सरस्वती। पापा। सरस्वती, सरस्वती, भगवान के लिए मेरी बात सुनो, जल्दीबाजी मत करो, एक बार वो इनविटेशन देख लो। उस दिन हमने ना सिर्फ पिताजी को छोड़ा था बल्कि उस दिन मेरा बड़ा भाई भी हमसे अलग हो गया था। इट्स नॉट अ फियर, इट्स अ फीलिंग। अगर पति पत्नी अलग होते हैं तो केवल इस बात से उन दोनों पे असर पड़ता है, लेकिन अगर एक माँ और पिता अलग होते हैं तो फिर इसका असर उनके बच्चों पर भी पड़ता है।
इसीलिए अपने पिताजी की याद आ जाने से तुम इतने परेशान होते हो। सरस्वती रुक जाओ, मेरी बात सुनो। सरस्वती पापा के साथ क्यों लड़ रही हो? जल्दबाजी मत करो, एक बार वो इनविटेशन देख लो। फिर उसके बाद क्या हुआ? ए, जो हुआ उसकी तुम्हें इतनी चिंता क्यों? जाओ यहाँ से। प्लीज लीव मी अलोन। ये दूध लेकर जाओ और उस पुलिस ऑफिसर को दे दो। कहा सर मैं? यस सर। वो बहुत ज्यादा गुस्सैल है, कभी प्यार से बात ही नहीं करता है। इस हॉस्पिटल में अकेला कॉमेडियन हूँ फिर भी मुझे विलन की तरह देखता है। सर एक काम कीजिए, आप ये दूध लेकर खुद जाइए, वो आपको कैसे देखता है फिर आकर मुझे बताइएगा। वो कैसा भी हो तुम्हें लेकर जाना पड़ेगा, ये लो। वो कोई साधारण आदमी नहीं है, पता नहीं किस बात पे मेरा भरता बना दे। सर आपको बैंगन का भरता पसंद है? जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ। ये टल्ली होकर सोने का टाइम है और ये एक्सरसाइज कर रहा है, कैसा आदमी है। ये लो। क्या लेकर आए हो? ये दूध। और ये गुलाब। और ये चेयर। ये टेबल। मैं पुलिस। तुम पेशेंट। सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर नाम क्या है? अक्षय कुमार। एस कुमार। मुझे दिखता नहीं है कि ये दूध है। दिखता है क्या? दिखता है। तो फिर तूने क्यों बोला कि ये दूध है? यहाँ सबको बताना ही पड़ता है सर। तो वो पेशेंट्स होते हैं और मैं कौन हूँ? मुझे माफ कर दीजिए सर। काम क्यों रहा है इतना? सर आपको देखते ही मेरी कपकपी छूट जाती है, मुंह सूख जाता है, नजर धुंधली हो जाती है और नींद आने लगती है। इसमें मेरी क्या गलती है सर? गेट आउट। थैंक यू सर। इसकी बॉडी ऐसी है जैसे जेसीबी हो। आपकी दवा बहुत अच्छा काम कर रही है डॉक्टर, उस पुलिस ऑफिसर को अच्छी नींद आई। वेरी गुड। अच्छा क्या इस पेशेंट का कोई रिलेटिव है? कोई नहीं है सर, वो एक अनाथ है। इसे यहाँ से ले जाओ। yes, सर। इसे प्राइवेट ब्लॉक में डाल दो। टेक हिम आउट। सर इसे डिस्चार्ज कर सकते हैं, ये नॉर्मल हो गया है। नॉर्मल 24 घंटे के अंदर कैसे हो सकता है? ही इज आल्सो अ पेशेंट, उसकी बीमारी सीरियस है। टेक हिम आउट। अरुण, मिस्टर अरुण उठो। क्या हो गया है आपको? आप अभी तक क्यों सो रहे हो? पता है टाइम क्या हो रहा है? इट्स 10 o'clock। व्हाट? 10 बज गए क्या? ओह माय गॉड, मैंने रात को दूध पिया था, फिर अचानक नींद आ गई और मैं सो गया। लगता है दूध में कुछ तो मिलाया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पहले से ही टेंशन में हैं और रेस्ट भी बिल्कुल नहीं कर रहे, बस इसी वजह से आपको नींद नहीं आ रही। आप कोई पेशेंट हो जिसे मेडिसिन दी जाती हो नींद आने के लिए? हेलो, यस, ऐसा क्या? वो यहीं पर है। ओके, कौन है? मेरी असिस्टेंट है, आपकी माँ ने हॉस्पिटल में फोन किया था, मेरे फोन से कनेक्ट कर दिया। मेरी माँ थी क्या? हाँ, कल आपने उनके बारे में बताया था ना, और देखो आज उनका फोन भी आ गया। यस। हेलो, या वन मिनट। माँ, अरुण तुमने कहा था ना तुझे पुलिस में नौकरी मिल गई है और तुझे केस सॉल्व करने के लिए दिया गया है, लेकिन तू मुझे तो भूल ही गया। तू कब तक वहाँ रहेगा बेटा? जब तक मुझे वो स्टीफन राज मिल नहीं जाता मैं वापस नहीं आने वाला माँ। ये क्या कह रहा है अरुण? हाँ माँ, हमारे डिपार्टमेंट को पूरा यकीन है कि वो स्टीफन राज ही है जिसने कैथरीन को किडनैप किया था और वो यहीं पर छुपा हुआ है। एक बार स्टीफन राज का पता चल जाए तो कैथरीन भी कहाँ है ये पता चल जाएगा। माँ तुम चिंता मत करो, हिम्मत से काम लो। कैथरीन कौन है? आ, आ,
मैंने क्यों जिक्र किया उसका? देखो, तुम्हें कैथरीन के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। इस हॉस्पिटल में मैंने कैथरीन के बारे में किसी को नहीं बताया है, और तुम भी किसी के सामने मत बोलना। उसकी चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। देखो, यहाँ कैथरीन को ढूंढने में मैं आपकी हर संभव मदद करूंगी। थैंक यू माया। तुम्हारे पास इस हॉस्पिटल की पूरी डिटेल्स है, मुझे इसके बारे में बता सकती हो क्या? आपको जो भी डिटेल्स चाहिए वो चीफ डॉक्टर के रूम में है। एज अ पुलिस ऑफिसर मैं उस डॉक्टर से सारी डिटेल्स ले सकता हूँ, लेकिन वो मुझे डिटेल्स देने के लिए राजी नहीं है। यस, क्या तुम इसमें मेरी हेल्प करोगी? ओके, मैं आज रात को ही डिटेल्स निकालने की कोशिश करूंगी। थैंक यू माया, थैंक यू। कल इसे इतनी स्ट्रॉन्ग दवा दी थी, फिर भी ये मुझे इतनी जोर से मार कर जा रहा है। हमारे डॉक्टर का प्लान इस आदमी के साथ काम करने वाला नहीं है, लेकिन मुझे इसकी चिंता क्यों करनी है? माया, मेरी कविता। कविता कहाँ गई? अच्छा, यहाँ है। आ जा मेरी कविता। ए, चल दे, दे, चल निकल, निकल। अबे जाता है कि नहीं पागल कहीं का? चल निकल, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। माय डार्लिंग, आई एम कमिंग, कमिंग। क्या है ये? तुम्हारे लिए मैंने प्यार से कविता लिखी है। क्या तुम्हें कविता लिखनी भी आती है? अगर मैं तुम्हें देखता रहूं तो पता नहीं मैं क्या क्या करना सीख जाऊं। मैंने लिखी है, पढ़ो इसे। हाँ, पढ़ो इसे। कविता को मैंने लिखी है, पढ़ो इसे। झूठ बोल रहा है, ये मैंने ही लिखी है। मैं पहली बार किसी आदमी को देख रही हूँ जो किसी पागल से कविता लिखवाता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। माया, माया, मैंने ही लिखी है ये, माया। मेरे काम में टांग लाने की क्या जरूरत थी? मजा आता है। तू जानता नहीं है एक आशिक की हाय लेना कितनी बुरी बात होती है। अरुण, तुमने जो डिटेल्स मांगी थी वो इसमें है। इस हॉस्पिटल में कुल मिलाकर 210 पेशेंट्स हैं, उनमें से जेंट्स 160 हैं, और जिन्हें हम बाहर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ तीन तरह के वार्ड हैं। फर्स्ट है सी ब्लॉक, वॉयलेंट हो जाने वाले मरीजों को यहीं बंद कर देते हैं। नेक्स्ट है बी ब्लॉक, जो औरतों का है, और ये है ए ब्लॉक, जिसे इनसेन वार्ड बोलते हैं। इस वार्ड में मरीज का बहुत बुरा हाल होता है, उन्हें जंजीरों से बांध कर रखा जाता है। इनफैक्ट मैं भी वहाँ कभी नहीं गई हूँ। मैं अभी वहाँ जाना चाहता हूँ, यहाँ मेरा जाना बहुत जरूरी है। प्लीज टेक मी देयर, प्लीज। नो 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 नो, प्लीज वेट। वहाँ तक पहुँचने के लिए इन दोनों ही ब्लॉक्स को हमें पार करना होगा। अभी हम जेंट्स वार्ड में जाएंगे। यही है जेंट्स वार्ड। देखो, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यहीं पर है क्या? देखो, विश्वास मत करो, विश्वास मत करो। भले जान चली जाए, लेकिन किसी औरत पर विश्वास मत करना, बिल्कुल भी नहीं। वैसे तुम्हारे पास कैथरीन की फोटो है? जब कैथरीन लापता हुई थी तो उसके साथ सब कुछ लापता हो गया।
बस वो स्टीफन राज मुझे मिल जाए तो। ढूंढ निकालिए सर, ढूंढ निकालिए, किसी ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है सर। मेरे बेटे को ढूंढ कर मेरे पास ले आइए सर, मेरे पास ले आइए सर। इनके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया था, मुझे मेरा बेटा। और फिर इनसे फिरौती मांगी गई। जैसे ही वो पुलिस के साथ गया तो अपने बेटे को मरा हुआ पाया। उसी के सदमे में आज इसकी ये हालत है। तुम्हारा एक ही बेटा है और तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति है, तो तुम फिरौती के लिए 50 लाख भी नहीं दे सकते क्या? अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे बेटे को। नहीं नहीं, ऐसा मत करना सर, मेरे बेटे के साथ कुछ मत करना, मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा सर। तुम्हें अकेले ही मंडलेश्वर के चर्च में आना होगा और मेरे आदमी तुमसे पैसे ले लेंगे और तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम है। सर उधर से म्यूजिक की आवाज आ रही है। तू तेरी जात का। रुक जाओ अरुण, हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए, चलो वापस चलते हैं। क्यों? आखिर क्यों? क्यों रोक रही हो मुझे? क्यों नहीं जा सकता मैं? ये लेडीज वार्ड है, यहाँ रहना रिस्की हो सकता है, इसीलिए चलो। लेडीज वार्ड है तो क्या हो गया, मैं स्टीफन राज को कैसे ढूंढ पाऊंगा? मिल जाएगा। एक मिनट मेरी बात सुनो अरुण, पहले मैं ये देखूंगी कि वहाँ वार्डन ना आए, इसीलिए प्लीज बाद में जाना, मेरी बात तो सुनो। तुम मुझे रोक क्यों रही हो? वार्डन से क्यों डरना चाहिए मुझे? मुझे जाने दो, प्लीज रोको मत, प्लीज मुझे छोड़ो, जाने दो मुझे। मेरी जॉब जा सकती है, सुनो मेरी बात। अगर मैं वहाँ चला गया तो तुम्हारी जॉब भला क्यों जाएगी? क्यों रोक रही हो मुझे? आई वांट टू गो देयर, प्लीज प्लीज डोंट स्टॉप मी, प्लीज। जोर से पकड़ो, पकड़ लो, पकड़ लो। अरे पकड़ लो, कितनी खूबसूरत है ये, बिल्कुल चंदन की गुड़िया जैसी लग रही है, हीरे की तरह चमक रही है। चलो चलो मैं ट्रेनिंग दूंगा। 15 साल से मुझे यहाँ बंद रखा है, तुम तो आजाद हो, मत छोड़ो उसे, वो बहुत खूबसूरत है। अरे मेरा बच्चा। जैकलीन, 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 ओह नाइस नेम, जैकलीन। हे सुब्रमण्यम, क्या कर रहे हो? कम ऑन। सुब्रमण्यम स्पीकिंग। जीजस, नो नो, छोड़ दो उसे। अरे चल निकल, वरना मैं इसे जाम से मार दूंगा। ओके ओके, सॉरी जीजस।
चलोट। हे, मेरा पियानो। चलोट। इडियट्स। टाइसन। हाँ। विल यू मैरी मी? रमेश। डिपार्टमेंट के लोग वहाँ समय पर पहुँच गए थे। फिर तुम्हें उसे मारने की क्या जरूरत थी? वो अभी बेहोश पड़ा हुआ है, उसके सिर में चोट लगी है। ये क्या है सर? मैंने उस बच्चे को बचाकर सही सलामत उसके घर वालों को सौंपने में कितना रिस्क लिया और आप मुझे ही डांट रहे हो सर? तुम अभी पुलिस वाले नहीं हो। यू डोंट हैव एनी राइट टू डू इट। जिसे तुमने मारा, अगर वो मर गया होता तो तुम्हें पुलिस की नौकरी कभी नहीं मिल पाती। देखो, किसे पहले मारना है फिर पकड़ना है, और किसे पकड़ कर फिर मारना है, ये सब तुम पुलिस की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सीखोगे। देखो, जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिल जाती, तुम एक काम करो। बताइए सर। अपने शरीर की गर्मी को अभी बक्से में बंद रखो। मिस्टर अरुण कुमार, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, और बहुत ही जल्दी तुम्हें यह वर्दी पहनने को मिलेगी। थैंक यू। गुड। जैकलीन, आई मिस यू डार्लिंग। आई एम मिसिंग यू स्वीटहार्ट। वेयर आर यू? ए सुबो, चल जॉगिंग पे चलते हैं। नो, मूड नहीं है। अबे क्यों इतना दुखी बैठा है? किस बात की चिंता है? ये तुम जैसे नहीं समझ पाएंगे। ए, अगर तुझे अपना डेली रूटीन पूरा करना है तो मेरे साथ आ, नहीं तो पूरा दिन खाने को नहीं दूंगा, पेट में चूहे दौड़ने लगेंगे। आई डोंट केयर। आज हम कब्बन पार्क में नहीं जा रहे हैं, हम चर्च वाले पार्क में जा रहे हैं। कम ऑन। जाना है? अरे चलो। हेलो सुब्रमणी। हाय जैकलीन। ए, सुबो, अरे तू रिवर्स गियर में क्यों जा रहा है यार? चलना। Come on, सुबो। ओहो, तुम चर्च वाली लड़की हो ना? समझ गया भाई, समझ गया। दोनों गलती से टकरा गए थे पर उसकी माफी नहीं मांगी थी। डेली आया करो। एक्सक्यूज मी, आई एम रियली सॉरी। सॉरी किस बात के लिए? वो कल जब मैं चर्च में उस गुंडे को मार रहा था तो मैंने तुम्हें पकड़ रखा था, तब हो सकता है कि मुझसे कुछ मिसबिहेव हो गया, तो तुम्हें कुछ गलत लगा होगा, इसलिए माफी मांग रहा हूँ और इसी बात के लिए सॉरी बोल रहा हूँ। तुमने उसे मारने के लिए बस मुझे पकड़ा था, यही याद है तुम्हें? अरे और इसके अलावा हुआ ही क्या था? और तुमने मेरा पियानो तोड़ डाला, वो याद नहीं है तुम्हें? ओ पियानो, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं बस यही सोच रहा था कि फिल्मों में फाइट के सीक्वेंस के टाइम चेयर और टेबल क्यों तोड़ी जाती हैं? आखिर उसका क्या महत्व होता है? अब मैं समझ गया, जब हम फाइट कर रहे होते हैं तो अंदर हमारे ज्वालामुखी चल रहा होता है। हाँ। तुमने न सिर्फ मेरा पियानो तोड़ा बल्कि मेरा दिल भी। कम जैकलीन। बाय डार्लिंग। जैकलीन, जैकलीन, जैकलीन। Father, तुमने क्या पाप किया है? एक बेवकूफ को पकड़कर पीटना था, लेकिन जब मैं उसे पीट रहा था तो उस बीच चर्च में रखा पियानो टूट गया। अब आप ही बताइए फादर कि मैंने जो किया आखिर उसको कौन से प्रकार का पाप बोलेंगे? क्या मेरी गलती माफी मांगने लायक है फादर? जीसस ने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना, जीसस ने तुम्हें माफ कर दिया है, जाओ जाओ। फादर, जीसस ने भले ही मुझे माफ कर दिया होगा, लेकिन वो लड़की जो पियानो बजाती थी। कौन सी लड़की? तुमने जो काम किया है मेरे जैसे फादर को भी गुस्सा आ रहा है। फादर, आप चर्च में तो बहुत ही साइलेंट थे, अब यहाँ पर वायलेंट क्यों हो रहे हो? हमारी कैथरीन इस चर्च की सबसे प्यारी लड़की है, जब से तुमने उसका पियानो तोड़ा है तब से वो कितनी दुखी है तुमको पता है? तो इसका हल क्या है फादर? किसी अच्छे आदमी से डोनेशन लेकर एक पियानो ले आओ और वो पियानो उसे दे दो, यही इसका उपाय है। मैं ये तो पहले ही कर चुका हूँ फादर, बस आपकी परमिशन का इंतजार था। कौन है वो पुण्यात्मा? वो पुण्यात्मा मैं ही हूँ फादर। हाँ? कैथरीन, कैथरीन, तुम्हें जो पियानो पसंद था वो आ गया। थैंक यू जीसस। खिलते हुए फूल की तरह
तुम अब अपने संगीत को भी खिला सकती हो। तुमने कहा था कि मैंने सिर्फ पियानो को ही नहीं, तुम्हारी फीलिंग्स को भी चोट पहुंचाई है। धीरे धीरे तू हाँ कह दे, तू ही मेरी आँखों में है। तू ही तो मेरी सांसों में है, आंखों में तू ही, धीरे धीरे से बाहों में तू है आगिरी। ढोलना मुझसे तू आगे लग जा, गले दिल का तू चैन है, तुझसे सांसे चले। साथ है तू पास है, तू ही तो मेरा ये सारा जहां, तेरे बिना मेरा दिल न लगे। धीरे धीरे तू हाँ कह दे, तू ही मेरी आँखों में है। धीरे धीरे से आके दिल में तुम समा गए, सारी 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 रात मुझको तुम सता रहे। धड़कनों में है तू, दिल में तू ही समाया, तुझ पे मैं मरती हूँ ओ मेरे साथिया। कह भी दे तू, कह भी दे मुझको, तू ही तू है भाया, तेरे बिना मेरा दिल न लगे। धीरे धीरे तू हाँ कह दे, धीरे धीरे तू हाँ कह दे, तू ही मेरी आँखों में है। दिल की बात कह भी दे, तुझ में मैं जी लूं, आजा तू पास में इन लबों को पी लूं, तेरे बिना मेरा दिल न लगे। Oh my God! Hello. तुम यहाँ पर क्यों आए हो? देखो मैं एक अनाथ हूँ और इस चर्च में रहती हूँ, यहाँ पर प्लीज कोई प्रॉब्लम मत खड़ी करना। नहीं करूँगा, बात तो सुनो। पहले तुमने पियानो तोड़ा और बाद में उसे नए से रिप्लेस भी कर दिया, इसीलिए मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती थी, इसीलिए पियानो बचाया था। इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर चले आओ, देखो प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। कल तुमने जो थैंक्स बोलने के लिए पियानो पर गाना बजाया था उसमें कुछ कमी रह गई थी। What? सुनो, मैं यहाँ गाना सुधारने नहीं आया हूँ, मेरा सुब्रमणी गायब हो गया है इसलिए मैं उसको लेने आया हूँ। सुब्रमणी?
हेलो, ये एक नंस हॉस्टल है, यहाँ मेल्स अलाउड नहीं है। हेलो, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ सुब्रमणी अंदर ही है, उसे बुलाओ तो मैं चला जाऊंगा। मेरी जानकारी के बिना कोई अंदर जा ही नहीं सकता। केवल एक आदमी ही दूसरे आदमी को समझ सकता है। हाँ। सुब्रमणी तुम्हारी जानकारी के बिना अंदर चला गया है, विश्वास नहीं होता तो बुला कर तो मिस्टर, देखो। मुझे समझ आ रहा है कि तब से तुम क्या बातें कर रहे हो, आखिर क्या चाहते हो तुम? पहले पता करो कि जैकलीन कहाँ है, सुब्रमणी भी उसी के साथ होगा। वो सुब्रमणी, तुमने सुब्रमणी की परवरिश ठीक से नहीं की होगी, लेकिन मेरी जैकलीन ऐसी बिल्कुल नहीं है। प्यार में पड़े लोगों के व्यवहार का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अंदर जाओ और जाकर जैकलीन को ढूंढो, तुम्हें पता चल जाएगा कि प्यार क्या चीज होती है। ओह माय गॉड। ए सुब्रमणी, जब तक ये तुम्हारे पास आए तब तक तुम जैकलीन को किस करते रहना। क्या मेरी जैकलीन सुब्रमणी के साथ भाग सकती है? मेरी फूटी किस्मत, ये तो मुझसे भी ज्यादा फास्ट निकली। जैकलीन, Somebody is coming, Subbu. चलो जल्दी छुप जाते हैं। ओके ओके। ये लोग निकल गए जैकलीन। ये लोग एक जगह खड़े नहीं रह सकते, हैवी टॉर्चर। कम ऑन, फॉलो मी दिस साइड, आ जाओ। ओके ओके। जैकलीन। तो बताओ सुब्रमणी अंदर नहीं है क्या? अरे वो देखो। अब बताओ हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए या उन्हें छोड़ देना चाहिए? मेरे फादर एग्री हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी मदर का क्या? मदर? क्या चल रहा है, ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए? सर, उन्हें रिश्वत देने की कोशिश कीजिए। अगर मैं रिश्वत दूंगा तो वो मेरी फिल्म को बैन करवा देगी। सर, आपकी भी कोई लव स्टोरी है क्या? हॉरर है। समझ गया, इन्हीं में से कोई हीरो भी होगा। रुकना। तुम यहाँ क्यों चले आए? कुछ इम्पोर्टेंट था तो घर में डिस्कस कर लेते ना। मैडम, मैं यहाँ पर अपनी माँ से मिलने नहीं आया हूँ, सेंसर ऑफिसर से मिलने आया हूँ। सेंसर ऑफिसर से? जी हाँ, मुझे आपको एक कहानी बतानी है। कैसी कहानी? मेरी कहानी में एक हिंदू लड़का और ईसाई लड़की है जिसे पियानो बजाना बहुत अच्छा लगता है। एक बार जब वो एक किडनैप हुए लड़के को बचाने की कोशिश कर रहा था तो लड़ाई के बीच लड़के ने उसका पियानो तोड़ दिया। एक अनाथ लड़की जिसके लिए उसका पियानो बहुत ही महंगी चीज थी, जब लड़के को ये बात पता चली तो उसने लड़की को नया पियानो गिफ्ट किया। उसके बाद दोनों दोस्त बन गए और वो दोस्ती आखिरकार दोनों के प्यार में बदल गई। बताओ माँ, क्या लव स्टोरी में हिंदू लड़के को ईसाई लड़की के साथ हो जाना चाहिए या फिर उस लड़की से अलग होना चाहिए क्योंकि वो एक अनाथ है और उसकी कास्ट अलग है? बताओ ना माँ। थैंक। आपके मुंह से मुझे क्लाइमेक्स सुनना है माँ। अगर ये दोनों एक हो जाते तो आप क्या सर्टिफिकेट देंगी? अगर ये किसी फिल्म की कहानी है तो मैं इसे यू सर्टिफिकेट दूंगी, और अगर रियल स्टोरी है और तुमसे संबंधित है तो मैं एम सर्टिफिकेट दूंगी। एम सर्टिफिकेट? क्या ए और यू सर्टिफिकेट के बारे में सुना था? एम सर्टिफिकेट मैरिज। जीसस के आशीर्वाद से हमारी कैथरीन को एक अच्छा जीवन साथी मिला है। आपका बेटा एक अच्छा इंसान है जो दूसरों की परेशानी में मदद करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। ऐसे पुण्यात्मा को यह पसंद करती है। हमारी कैथरीन बहुत नसीबों वाली है। कैथरीन को क्या हुआ? अरे तुम चिंता मत करो, वो ठीक है। सिग्नल पर एक पुलिस ऑफिसर को शूट करके उसका मर्डर कर दिया। उसे देखकर वो बहुत डर गई और कैथरीन बेहोश हो गई। आपने उस शूटर को देखा था माँ? ना, मैंने शूटर को देखा और ना ही मरने वाले को। अब तुम जाओ और कैथरीन से मिल लो। कैथरीन? अरुण, व्हाट इज दिस कैथरीन?
मैं जल्दी पुलिस ऑफिसर बनने वाला हूँ और तुम मेरी फियांसे हो, ऐसे में तुम इतनी छोटी मोटी बातों से कैसे डर सकती हो? अगर उसने किसी और को गोली मारी होती तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन उसने एक पुलिस ऑफिसर को गोली मारी थी, इसलिए मैं इतनी ज्यादा डर गई। कैथरीन, अरुण, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मैं इन सारी बातों से डरकर अपना पुलिस ऑफिसर बनने का सपना छोड़ कैसे सकता हूँ? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करोगे। सुनो कैथरीन, ये कभी मेरी बात के खिलाफ नहीं जाएगा। अगर तुम नहीं चाहती कि पुलिस वाला बने तो ये नहीं बनेगा। मिस्टर अरुण कुमार, तुम अपनी होने वाली वाइफ के लिए पुलिस की जॉब छोड़ रहे हो, लेकिन एक दिन तुम फिर से इस नौकरी में वापस जरूर आओगे। कैथरीन, कैथरीन, ए, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी वाइफ इंतजार कर रही है, जा ना। माँ, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो वहाँ नहीं है। ये तू क्या कह रहा है बेटा? आधे घंटे पहले ही वो मुझसे आशीर्वाद लेकर अपने कमरे में गई थी। ये क्या कह रही हो माँ? ए, कैथरीन, 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 कहाँ हो तुम? कैथरीन, 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 कहाँ हो तुम? कैथरीन, कैथरीन, तुमने कैथरीन को देखा? कहाँ है कैथरीन? कैथरीन? हाँ कैथरीन, मेरी पत्नी कैथरीन। मेरी पत्नी कैथरीन। अरे क्या बकवास कर रहे हो? सबसे पहले तुमने कहा कि हमने स्टीफन राज को छिपाया है और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें नहीं मिल रही? तुम पागल हो गए हो क्या? Hey!
चलो जल्दी मिट्टी बाहर निकालो। हाँ लेकर जाओ, जाओ जाओ। किसी को देखा? किसे देखा है? वो मेरे जैसा था, लेकिन बहुत क्रूर लग रहा था। कहीं वो मेरा खोया हुआ भाई तो नहीं था? वो इसी रास्ते से गया था, इसी रास्ते से। अरुण, तो यही वजह है कि तुमने मुझे यहाँ लॉक कर लिया है। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। ए, 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 कौन है? सर सर सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप नहीं जा सकते आगे। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर जाओ। अरुण कुमार मेरी बात सुनो, स्टॉप इट।
वार्ड बॉय से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जब से तुम हॉस्पिटल में आए हो उनसे लड़ रहे हो। वो निर्दोष है, उन्होंने क्या गलत किया है? डॉक्टर, मैंने उस पेशेंट को देखा जिसे तुम मुझसे छुपा रहे थे। वो बिल्कुल मेरे जैसा है। जैसे ही उसने मुझे देखा तो वो डर के मारे सीधे भाग गया, और जब तक मैं उस तक पहुंचता तुम्हारे वार्ड बॉय ने मेरे चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया और मैं सीधे बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया और मैं उसे ढूंढने निकला तो मैंने देखा कि आपका स्टाफ एक डेड बॉडी को दफना रहा था। फिर मैंने और जानने की कोशिश की तो ये वार्ड बॉय मुझे रोकने लगे। ये क्यों रोक रहे थे मुझे? क्या जरूरत है मुझे रोकने की? आई एम अ पुलिस ऑफिसर एंड आई हैव एवरी राइट टू सर्च एनीवेयर एनी टाइम इन दिस ब्लडी हॉस्पिटल। तुम सब मुझे अपने कुकर्मों से बचने के लिए रोकने की कोशिश कर रहे हो डॉक्टर। बस करो। हां, कौन सी डेड बॉडी, कौन सी जगह, कहां देखा तुमने? कम ऑन, दिखाओ मुझे। कम चलो। जब से तुम आए हो कहानियां बना रहे हो। चलो दिखाओ मुझे। आइए दिखाता हूं। शो मी। कहाँ है, दिखाओ। और अब इस तरह हैरान होकर क्या देख रहे हो? शो मी वेयर। यहाँ, इसी जगह, इसी पेड़ के नीचे। ठीक इसी जगह आपने उसे दफनाया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था सब कुछ ये। और सामने वो एम्बुलेंस खड़ी थी। हाँ, मैंने वहां उस तरफ से ये देखा था। आपने इसी जगह डेड बॉडी दफनाई थी। और मैंने सब कुछ देखा, पर आपने बाद में काम बंद करवा दिया। आपने यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सबूत छोड़ा ही नहीं। आप एक नंबर के ड्रामेबाज हो। बताइए कहाँ पर है डेड बॉडी, बताइए। Come on, doctor, कहाँ है डेड बॉडी, बताइए। पहले स्टीफन राज था, बाद में तुम्हारी वाइफ कैथरीन, और अब कह रहे हो कि यहाँ कोई डेड बॉडी दफनाई है। अब मुझे ये चेक करना है कि तुम नॉर्मल हो भी या नहीं। मैं? मुझे शक है कि तुम्हारे डिपार्टमेंट ने पुलिस के नाम पर मेरे पास पेशेंट भेजा है। पेशेंट? मैं? Yes. Come on, तुरंत चेक करो मुझे। I'm ready for any checkup. Come on. डॉक्टर सुनील, डॉक्टर, टेक हिम टू सिटी स्कैन। Look at this. See? 50% काम तो हो गया। इसे ट्रीटमेंट के लिए मैनिपुलेट कर सकते हैं। See? बताइए डॉक्टर, क्या प्रॉब्लम मिली है मेरे अंदर? सिटी स्कैन के मुताबिक तुम्हें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। अगर गुस्से पे काबू नहीं करते, टेंशन लेना नहीं छोड़ते, तो तुम्हें सेरेब्रल हैमरेज हो सकता है। डॉक्टर होने के बावजूद मुझे जानबूझकर पेशेंट बना रहे हो ना? एज अ पुलिस ऑफिसर आपका अपराधी बनना ज्यादा दूर नहीं बचा है अभी। कीप इट इन योर माइंड। डॉक्टर, ब्रेन और बीपी का क्या संबंध है? उसे नहीं पता कि हमने उसके दिमाग को स्कैन किया है। वो कैसे साबित करेगा कि हम अपराधी है? अरुण, माया, इस हॉस्पिटल में बहुत सी ऐसी चीजें हो रही है जिनके बारे में कुछ नहीं पता। जब मैंने डॉक्टर से सवाल जवाब किया तो मुझे विश्वास दिलाने के लिए कोशिश कर रहा है कि मैं एक पेशेंट हूँ। अरुण, अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें दिमाग लगाकर शांति से काम करना होगा। क्या मतलब? मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर कोई अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं करता तो ब्रेन सेल्स डैमेज हो सकती हैं। सेरेब्रल हैमरेज का पेशेंट बन सकता है, जिससे पेशेंट के शरीर के किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंच सकता है। इसमें जान भी जा सकती है। हेल्थ इज वेल्थ अरुण। कुछ भी हासिल करने से पहले हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमेशा एक ही चीज के बारे में सोचने के बजाय तुम अपनी लाइफ की दूसरी चीजों के बारे में भी सोचो तो ज्यादा अच्छा होगा, समझे तुम? जैसे आपकी माँ हो गई या आपकी वाइफ, उसके साथ बिताए हुए खूबसूरत पल हो गए। जिंदगी में करने सोचने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा सोचो और रिलैक्स हो जाओ। अपने माइंड को शांत रखो। ये रिंग, मुझे जितने भी इंस्ट्रूमेंट पसंद है उसमें पियानो इज माय फेवरेट। हेलो, कैथरीन कहाँ हो? कैथरीन, कैथरीन कहाँ हो तुम? कैथरीन बताओ ना, कैथरीन, 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 कैथरीन कहाँ हो तुम? कैथरीन, कैथरीन,
कैथरीन, कैथरीन, कैथरीन तुम कहां थी तब से? मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढने की कोशिश की। मैं तुमसे कब से पूछ रहा हूं लेकिन तुम पियानो बजाने में बिजी हो। इतनी देर तक तुम कहां थी बताओ ना। मैं भगवान के घर में थी। भगवान के घर में? बचपन से एक अनाथ लड़की, चर्च में पली बढ़ी, बस जीसस ही उसके एक गॉड थे। लेकिन यहाँ तुम्हारे घर में आने के बाद शिव, पार्वती, गणपति, कृष्णा, तुम और तुम्हारी माँ सब मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं। इतनी अच्छी जिंदगी देने के लिए मैं आज भगवान को धन्यवाद कहने गई थी। इतनी लगे तेरी इन आंखों में प्यार दिखे, मुझको तो प्यारी इतनी लगे तेरी इन आंखों में प्यार दिखे। प्यारी प्यारी तू लगे आ जा ले चलूं, काली काली आंखों में खुद को ढूंढ लूं। मुझको तो अपना सपना लगे, तेरे बिना अब तो दिल न लगे। जाना तो कब से था प्यासा तुझे पी लूं। तू ही तो है मेरा कैसे कहूं, ऐसे ही तो रहना मेरे रूबरू। मेरे दिल की रानी तू, मेरी कहानी तू, ना कहीं भी जाना तू मैं तो ना जी सकूं। दिल है तू जान तू, हर जगह बस तू ही तू। मुझको तो अपना सपना लगे, तेरे बिना अब तो दिल न लगे। सबसे तू प्यारा मुझको लगे, तुझ पे ही मरना अब है मुझे। ना कभी तू रूठना मेरा हाथ थामना, मेरी जान तेरी तरह कोई और होगा ना। आ भी जा तू मेरे पीछे पीछे। मुझको तू प्यारी इतनी लगे, तेरे बिना अब तो दिल न लगे। बातें प्यारी सी लगे आ चले चलो, काली काली आंखों में खुद को ढूंढ लूं। मुझको तो प्यारी इतनी लगे, कुछ 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 कुछ। Thank you.
मुझे लगा डिपार्टमेंट को इस बार काबिल ऑफिसर मिला है, लेकिन तुम नौकरी मिलने के कुछ दिन के अंदर ही रेजिग्नेशन दे रहे हो। वैसे अब फ्यूचर प्लानिंग क्या है तुम्हारी? सर, मैं बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान बना रहा हूँ। बिजनेस? हाँ, सिक्योरिटी सर्विस कंपनी खोलने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इट इज ऑल्सो अ पब्लिक सर्विस, एक तरह से पुलिस की जॉब के बराबर है। बस इसमें फर्क इतना है कि पुलिस के हाथ में गन होती है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के पास नहीं होती। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ जगहों पर रिकमेंड भी कर सकता हूँ। सर, पता नहीं पुलिस की नौकरी जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है उसे छोड़ने के बाद मैं क्या करूं। आपने बहुत ही कमाल का आइडिया दिया है सर, थैंक यू सर। दैट्स गुड। देखो, तुम सब लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। 500 लोगों को सिक्योरिटी देनी है, हर पल की खबर तुम लोग मुझे फोन पर दोगे, ओके? तुम लोग तरह तरह की आईटी कंपनियों में काम करोगे, उसमें करीब 400 लोग होंगे और तुम उन सब लोगों के इंचार्ज होंगे, ओके? और तुम लोग दूसरे टाइप की कंपनियों में काम करोगे। कम ऑन, स्टैंड स्टिफ, नो कंप्लेंट शुड कम, ओके? यू कैन गो नाउ। यस सर। सिक्योरिटी कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इसमें कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर तुम लोग एक साथ कहीं पर घूमने निकले तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने तुम लोगों को रोजगार देने के लिए यह कंपनी शुरू की है, गॉट इट? डू योर ड्यूटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेलो जैकलिन, तुम जमाई क्यों ले रही हो? जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? इन्होंने हनीमून पर जाने के बजाय अपनी कंपनी खोली है और हमें भी काम पे एडवांस पे रखा है। क्या फुसफुस आ रहा है मन में? हाँ, मैं स्टीफन राज बोल रहा हूँ। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, फिर मुझे फोन करके परेशान क्यों कर रहे हो? क्यों मुझे बार बार फोन करके डिस्टर्ब कर रहे हो? मुझे तुमसे मिलना है। कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे दूर रहने के लिए शहर छोड़ दिया है। अब आगे से प्लीज मुझे परेशान मत करना, आगे से तुम मुझे कभी भी फोन करके परेशान नहीं करोगे, समझे? कैथरीन, मेरी बात तो सुनो, मुझसे कम से कम एक बार तो मिल लो तुम, उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। ये नहीं हो सकता, मैं तुमसे नहीं मिल सकती, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी को पता चल गया कि मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता है तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे परेशान मत करो। मेरी बात तो सुनो कैथरीन, कैथरीन, कैथरीन। माँ, अगले हफ्ते मुझे एयरपोर्ट, इसरो और सॉफ्टवेयर कंपनियों में टेंडर मिल सकते हैं। अगर वो मुझे मिल गए तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्या बात है माँ, इतनी अच्छी गुड न्यूज बता रहा हूँ और तुम पता नहीं कहाँ खोई हुई हो। डर लग रहा है बेटा, बहुत डर लग रहा है मुझे। जिंदगी में रिस्क तो उठाना ही पड़ता है, रिस्क उठाने वाला ही सफल होता है। हम डर कर कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तेरी वजह से नहीं बेटा, ना तेरे काम की वजह से, बल्कि तेरी पत्नी की वजह से है। ऐसा क्या हुआ है माँ, किस बात का डर लग रहा है तुमको? मुझे चिंता है कि कहीं तेरी पत्नी तुझे वैसे ही धोखा ना दे दे जैसे तेरे पिता ने मुझे दिया था। माँ, उसने हमें बताया था कि बचपन से वो अनाथ है ना? हाँ माँ। लेकिन ये सच नहीं है, मैंने उसे स्टीफन राज नाम के एक लड़के से फोन पर बात करते हुए सुना, वो रिश्ते तोड़ने के लिए कह रही थी। ये क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, जब तू अपनी शादी की रात को उसे ढूंढ रहा था तो मैंने घर के बाहर उसे किसी से बहस करने के बाद वापस आते देखा था, किसी आदमी से।
जब तूने उससे पूछा तो उसने कभी भी तुझे उसके बारे में नहीं बताया। उसने कहा कि वो मंदिर में थी। उस समय तो मुझे उस पर इतना शक नहीं हुआ बेटा, लेकिन आज जब वो लैंडलाइन पर किसी आदमी से बात कर रही थी तो मैंने कॉर्डलेस फोन पर सब कुछ सुना। तब से मैं बहुत डरी हूँ। मुझे लगता है उसका स्टीफन राज नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। अरे आप आ गए। तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं कब आया। क्या तुम उस आदमी को जानती हो जो हमारी शादी की रात तुमसे मिलने के लिए आया था? शादी की रात को कौन? वही जिससे आज तुम फोन पर बात कर रही थी। हाँ? जानती हो? फोन पर मैंने भले ही पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं की, लेकिन मेरे अंदर पुलिस वाली सारी क्वालिटीज हैं। जब मैं किसी से बात कर रहा होता हूं तो समझ जाता हूं कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसका डर और कॉन्फिडेंस सब कुछ बता देता है। कौन है ये स्टीफन राज? स्टीफन राज? मैं मुझसे झूठ मत बोलना। मेरी माँ ने तुम्हें फोन पर उससे बात करते हुए सुना था। कौन है ये स्टीफन राज? देखो सच सच बता दो वो कौन है। कौन है वो? कौन है वो? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? Come on, tell me. बोलो कौन है? Come on, tell me. देखो मैं बार-बार पूछ रहा हूँ, बताओ कैथरीन कौन है वो? कैथरीन कौन है वो? बोलो कौन है वो? तुम्हारी वाइफ ने तुमसे क्या कहा? Tell me. तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें क्या बताया? जब तुम इस हॉस्पिटल में आए थे तब तुमने कहा था स्टीफन ने तुम्हारी वाइफ को किडनैप कर लिया है। अब मुझे शक हो रहा है कि स्टीफन राज और तुम्हारी पत्नी का अफेयर चल रहा था। तो फिर मुझे बताओ इन दोनों बातों में से सच क्या है? और स्टीफन राज का पता चलने के बाद ही मैं ये जान सकता हूँ कि मेरी वाइफ ने सच बोला था या झूठ। तब तक मुझे परेशान मत करो, प्लीज गो। फिर से दूध? फिर से टैबलेट? उसे जाकर दे कराओ। मैं जाऊं? जाओ। सर सर सर, मुझसे प्यार से बात की, मुझे अपनी चेयर पर बिठाया, मतलब ये सब मेरा गला कटवाने के लिए था। तो क्या ये लोग मेरा दी एंड करने का प्लान बना रहे हैं? मैं आ रहा हूँ, तुम्हें सुलाने के लिए आ रहा हूँ। इस बार 24 आवर्स के लिए सुलाऊंगा, तभी मैं अपनी जानों से प्यार भरी बातें कर पाऊंगा। क्या है वो? ये अपनी पीठ से भी देख सकता है क्या? तो चुपचाप कमरे में आया, कुछ रखा और सीधा निकल रहा है। क्या है वो? दूध ही है। तो पहले नहीं बोल सकता था कि वो दूध है? पिछली बार तुम्हें बताया था तो तुमने ही बोला था कि तुम खुद चीजें देख सकते हो। उस दिन को मार गोली, आज बता दे क्या है। हॉल है सर। हॉल मतलब मैरिज हॉल, मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, असेंबली हॉल? अरे ये तो फिर से शुरू हो गया। सर आप गलत समझ रहे हो, ये मिल्क है, नॉर्मल मिल्क है। किस टाइप का मिल्क है? फुल मिल्क है, स्किम्ड है, बटर मिल्क है या फिर चॉकलेट मिल्क है? लगता है आज ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। सर ये गाय का मिल्क है, गाय का मिल्क। नॉर्मल मिल्क है? नॉर्मल मिल्क मतलब किस जानवर का मिल्क है? कुत्ते का दूध है, गधे का दूध है, भैंस का दूध है या फिर घोड़े का दूध है? एक बार शुरू होता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। सर ये लोकल गाय का मिल्क है। अच्छा तो ये गाय का मिल्क है क्या? किस गाय का? हे भगवान, लगता है आज ये मुझे अपनी बातों से ही मार डालेगा। सर ये मिल्क है और ये कांच का गिलास है, ये टेबल है, ये चेयर है। आप पुलिस वाले और मैं एक बदमाश हूँ, ओके ना? ओके ना सर? ये देने के लिए सर। अब खुद के लिए से। ओके ना सर? ओके गो। ओके सर। हाँ
अरे बाप रे, इसका गोली वाला दूध मैं पी गया। मैंने इसमें बहुत सारी गोलियां डाली थी, अब मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? समझ नहीं आ रहा है कि दरवाजा किधर है। यहाँ यश कुमार कौन है, अरुण कुमार कौन है, ये भी भूलता जा रहा हूँ मैं। अगर ये दरवाजा है तो ये क्या है, बड़ा कमरा है। अरे बाप रे, माँ पापा, मुझे दिन में तारे क्यों दिखाई दे रहे हैं? डॉक्टर्स, आप लोग मुझे बचाने के लिए यहाँ तक आ गए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर्स। मेरे सपनों में भी वो उसके साथ गा रहा था। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम। आप मुझे चेक कर रहे क्या डॉक्टर? अच्छे से चेक करो, चेक करो, चेक करो, बढ़िया से चेक करो। डॉक्टर, मेरी पल्स से क्या पता चल रहा है आपको? उसमें माया की धड़कन सुनाई दे रही है क्या? गुड न्यूज, तुम अगले 12 महीनों में माँ बन जाओगे। माँ बन जाऊंगा? डॉक्टर हो के ऐसे कपड़े क्यों पहने? तुम सब मरीज हो क्या? आज रात मैं स्टीफन राज का पता लगा कर ही रहूंगा। छोड़ो मुझे, मैं जानता हूं तू किसे ढूंढ रहा है। जाकर सेल नंबर 33 चेक कर, पक्का वही होगा। हाँ, मुझे पागल मत समझना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस डॉक्टर से होशियार रहना, नहीं तो वो तुझे भी पागल बना देगा। क्या तुम्हें उसका नाम पता है क्या? मैं उसका नाम नहीं जानता, लेकिन वो डॉक्टर अक्सर उससे मिलने आता था। कुछ दिनों से वो उससे मिलने नहीं गया, क्यों नहीं गया मुझे नहीं पता। हाँ, अरे जा जा ना। जाकर सेल नंबर 33 चेक कर, पक्का वही होगा। अरुण, अरुण। हाँ, नहीं नहीं, मैंने उसकी रिपोर्ट्स देखे हैं, तभी तो आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं तो ऐसे कुछ भी। वो पेशेंट कहाँ है जो सेल नंबर 33 ब्लॉक ए में था? मुझे जानना है कि वो पेशेंट कहाँ है और क्या कर रहा है। कम ऑन, टेल मी। मैं बता दूंगा, पहले छोड़ो तो मुझे, मैं बता दूंगा। मैं अब बताता हूँ। हमने उस पेशेंट के भागने की कंप्लेंट फाइल की थी, जिसकी तुम्हें तलाश है वो वही है। जब तुम जानते थे कि वो पेशेंट सेल से भाग गया है, फिर भी तुमने कंप्लेंट में उसके नाम, पते और रंग रूप के बारे में कोई डिटेल्स क्यों नहीं दी? क्या थी इसकी वजह? दरअसल वो हमारे पास उस पेशेंट की पूरी डिटेल्स नहीं है। डिटेल्स नहीं है तुम्हारे पास? किसी पेशेंट की डिटेल्स जाने बिना उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हो? मेरे सामने एक नई कहानी बना रहे हो ना? मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने उस आदमी के साथ क्या किया है। बताऊँ क्या? क्या जानते हो तुम उस आदमी के बारे में? 3 हत्याओं का गवाह है वो पेशेंट। जिस आदमी को मारकर तुमने दफनाया था वो कोई और नहीं बल्कि वही है। तुमने जानबूझकर झूठी कंप्लेंट फाइल की और वो भाग गया। उसके बाद उसे मारा और केस भी क्लोज करवा दिया। और कहीं मैं तुम्हारी सच्चाई को बाहर ना लाऊं, इसलिए तुमने मुझे कंफ्यूज करना शुरू किया। ये सब तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है। ऐसा है तो फिर वो कहां है?
मुझे अभी उसे सामने देखना है। लाओ उसे मेरे सामने। Come on, show him! हमने उसे सुरक्षित जगह पर रखा है और वहीं उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। कौन कर रहा है उसकी रखवाली? कहीं वो स्टीफन राज तो नहीं? स्टीफन राज। कितनी बार कहा है कि इस नाम का कोई नहीं है। ओके, माना स्टीफन राज यहाँ नहीं है, तो फिर तुम उस पेशेंट को मुझे दिखाने में क्यों झिझक रहे हो इतना? ट्रीटमेंट, पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसे नए आदमी से नहीं मिलाते, क्योंकि वो पुराने मेंटल पीस में जाने के चांसेस होते हैं। इससे ज्यादा तुम्हें हम कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है उसे मुझसे मिलने की, लेकिन उसे यहाँ एडमिट करते वक्त उसकी सारी डिटेल्स तो कलेक्ट की होंगी ना? तुम मुझे उसका रिकॉर्ड दिखा सकते हो? वो दिखा सकते हैं। तो दिखाओ। हेलो, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं डिटेल्स मांग रहा हूं। अरुण कुमार, आईपीएस, कम ऑन, शो मी। इस आदमी को मुझे दिखाओ, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। दिखाओ मुझे इस आदमी से। यस, इसकी फोटो नहीं, इसे जीता जागता सामने देखना चाहता हूँ। उसके लिए उसे ठीक होना होगा। जब तक वो ठीक नहीं होता, तुम उससे नहीं मिल सकते। कितने दिन लगेंगे उसको ठीक होने में? कितने दिन? देखो अरुण कुमार, वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। वो खुद को पहचान पाए तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। आई कैन टेल यू ओनली दिस मच, मिस्टर अरुण कुमार, आईपीएस। तो उन तीन हत्याओं का गवाह कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई है। मुझे अभी उससे मिलना होगा। हो सकता है 33 नंबर से ऊपर किसी और नंबर में रखा हो। फिर से 33 नंबर सेल में गया था। वहां मैंने अपने भाई को देखा। What? हाँ माया, पिछली बार जब मैं वहां गया था तब वहां कोई नहीं था। अब उस सेल में मेरा भाई है। वो वहां कैसे पहुंचा? कौन लेकर गया था उसे? नहीं अरुण, तुम्हारा ऐसे किसी को भी देखना सच नहीं हो सकता, क्योंकि इस हॉस्पिटल में ऐसा कोई पेशेंट तो है ही नहीं। ये क्या कह रही हो माया? फिर जिस आदमी को मैंने पहले भी देखा था वो कौन था, बताओ ना। ये एक भ्रम है अरुण, बहुत बड़ा भ्रम है। उस डॉक्टर ने तुम्हें कंफ्यूज करके रखा है और तुम इसके लिए बलि का बकरा बन रहे हो। क्या? हाँ, ही इज गिविंग यू अ सीक्रेट ट्रीटमेंट। एक दिन जब तुमने बताया था तुम्हें जो दूध दिया गया था उसमें कुछ मिला था, तब मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे तुम्हारी हर बात पर भरोसा हो रहा है। जब डॉक्टर ने तीन हत्याओं के गवाह वाले पेशेंट के रूप में तुम्हारी फोटो दिखाई थी तो मुझे बहुत शक हुआ। मैंने उस पेशेंट को देखा है। भाई के अलग होने से तुम्हें फर्क पड़ा, और तुम कह रहे हो वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा है, और तुम कह रहे हो दो बार डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट ले चुका है। डॉक्टर को डर है कि कहीं तुम्हें इस हॉस्पिटल में होने वाले इलीगल एक्टिविटीज के बारे में पता चल ना जाए, इसीलिए वो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप पेशेंट बना रहा है। डॉक्टर अगर पेशेंट को ठीक करना जानता है तो उसी तरह ठीक आदमी को पेशेंट भी बनाना जानता है। तुम मेरी बात को अच्छे से समझ रहे हो ना?
अगर तुम अभी फिर से 33 नंबर सेल देखने जाओगे तो इस बार वो तुम्हें हरगिज नहीं मिलने वाला। उसे इसी हॉस्पिटल के प्राइवेट ब्लॉक में ले गए थे। उस ब्लॉक में मैं अभी तक नहीं गई। अगर तुम्हारा शक साबित नहीं हुआ तो निश्चित रूप से उस ब्लॉक में इलीगल एक्टिविटीज चल रही होंगी। पक्का वो यही कर रहे होंगे। और मुझे लगता है डॉक्टर ने स्टीफन राज को उसी ब्लॉक में बंद कर दिया होगा। क्या? स्टीफन के साथ साथ तुम्हें तुम्हारी वाइफ के बारे में भी पता चल जाएगा। अगर तुम्हें डॉक्टर की इलीगल एक्टिविटीज के बारे में पता चलेगा तो मैं उसे प्रूव करने के लिए तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगी। हम प्राइवेट ब्लॉक में कैसे जा सकते हैं? तुम उसी रास्ते से जाओ जिससे तुम पहले गए थे। लगता है कोई आ रहा है। कहाँ छुपा कर? पकड़ो इसे। कैथरीन कहाँ है? बोल।
स्टीफन राज, उस डॉक्टर के साथ क्या कनेक्शन है तेरा? स्टीफन राज, सारा ड्रामा तूने किया और यहाँ पर चेस खेल रहा है बैठ के। Hey, what do you want? स्टीफन राज यहाँ नहीं है, ये बार-बार तू ही कहता था। अभी मैंने उसे मारा था। फिर वो कहाँ पर भाग गया कमीना पता नहीं। स्टीफन राज को तूने ही छुपाया, तूने ही छुपाया है उसे। What? जब माया ने मेरी मदद की तो तूने उस बेचारी को भी मार डाला। क्या कहा? हमने माया को मार डाला, क्या कह रहे हो तुम? जितने चाहे कोशिश कर ले मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। तूने माया को अंधे से लटका कर मार डाला, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है ये। और जब मैं वहाँ पहुंचा तो उसकी बॉडी नहीं थी, बॉडी गायब थी। बता बॉडी कहाँ है उसकी? डेड बॉडी कहाँ है उसकी? बोल, उसकी बॉडी कहाँ छुपा कर रखी है तूने? डॉक्टर, डॉक्टर, अभी मुझे फोन आया है कि किसी ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को मारकर घायल कर दिया है। उन्हें किसने मारा है डॉक्टर? यही वो आदमी है, इसी ने स्टीफन के चक्कर में उस डॉक्टर को मारा है। माया? डॉक्टर, ये स्टीफन राज कौन है डॉक्टर? और ये आदमी मुझे अचानक आकर मारने क्यों लगा? मैं अंदर कावेरी का पोस्टमार्टम कर रहा था, तभी ये आकर मुझे मारने लगा। डॉक्टर, तुमने इसे ही स्टीफन राज समझ कर मारा ना? क्या ये स्टीफन राज लग रहा है? बताओ, इस हॉस्पिटल में ये डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं। ही इज द डॉक्टर हु इज इन चार्ज ऑफ अटॉप्सी इन दिस हॉस्पिटल। हमने माया को मार डाला था, ये भी आरोप लगाया, लेकिन माया तो यहां जिंदा खड़ी है। जिसे तुमने स्टीफन राज समझकर पीटा, वो भी यहां काम करने वाला डॉक्टर है। तुम्हारी इन सभी हरकतों को देखकर मुझे यही लगता है कि तुम पागल हो चुके हो। डॉक्टर नो, तुम सब मिलकर ड्रामा कर रहे हो और मुझे पेशेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं जानता हूं ये तुमने माया को डराया होगा और इसने डर के मारे फांसी लगा ली, फिर अनजान बनने का नाटक। सब लोग मेरे साथ खेल खेल रहे हो मिलकर। माया, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इस हॉस्पिटल में होने वाली इलीगल एक्टिविटीज के बारे में पता ना चले इसलिए मुझे पागल बना रहे हैं ये लोग। ऐसा नहीं है ऑफिसर, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अगर दूसरे ब्लॉक के पेशेंट वायलेंट हो जाते हैं तो हम उन्हें शॉक ट्रीटमेंट देते हैं। अगर कोई मरीज यहाँ मर जाता है और अगर वो अनाथ है तो हम उसे दफनाते हैं। हर बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। तुम्हारा कहना है कि यहाँ पर मरे हुए पेशेंट लाए जाते हैं, तो तुम उस आदमी को यहाँ पर क्यों लाए हो जो 3 हत्याओं का गवाह है? मैं सब कुछ जानता हूँ डॉक्टर, मुझे पता है कि वो पेशेंट इसी बिल्डिंग में छुपा है। और मैं ये भी जानता हूँ कि जो पेशेंट सेल नंबर 33 से भागा था वो मुझसे बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। हाँ, अब मैं उन दोनों से मिलना चाहता हूँ। कमान शो में, कमान शो दे, मैं उन दोनों से मिलना चाहता हूँ। तो डॉक्टर विष्णु, वन ऑफ द टॉप साइकेट्रिस्ट फ्रॉम मैकलिन हॉस्पिटल अमेरिका।
मैं स्पेशली तुम्हें ठीक करने के लिए इंडिया आया हुआ हूँ। मुझे ठीक करने के लिए? यस। तुम यहाँ किसी आदमी को ढूंढने आए हुए हो। इससे पहले कि उसके बारे में जानो, उससे पहले तुम्हें अपने बारे में जानना होगा, समझे तुम? मैं कौन हूँ और क्या हुआ है मुझे? तुम एक मानसिक रोगी हो। आई मीन यू आर ए पेशेंट, साइकोजेनिक एमनीशिया पेशेंट। नो, आई एम अरुण कुमार, आईपीएस पुलिस ऑफिसर। पुलिस? आईपीएस? हाँ, मेरे छोटे भाई अरुण कुमार ने पुलिस ऑफिसर बनने का सपना देखा था, और जब वो ऑफिसर बनने वाला था तो अपनी पत्नी की वजह से अपने सपनों को छोड़ दिया। ये सब हमें तुम्हारी केस हिस्ट्री से पता चला। 8 महीने पहले एक दुर्घटना में तुम्हारे सिर पे चोट लगी और तुम्हारी याददाश्त चली गई। तुम्हें याद नहीं था कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ था। इसे ही कैटाटोनिक स्टेज बोलते हैं, मतलब तुम लगभग मर चुके थे। ऐसे में तुम्हें हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए एडमिट करवाया गया, और जब हम प्लान कर रहे थे कि तुम्हें किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाए, तभी एक दिन तुम वायलेंट हो गए और एक वार्ड बॉय को पीट कर जेल से भाग निकले। फिर डॉक्टर राजेंद्र को देखकर तुम स्टीफन राज का नाम लेकर चिल्लाने लगे, स्टीफन राज। तुम किसी को याद करते हो ये समझने के बाद हमें तुम्हारा ट्रीटमेंट करने का तरीका पता चल गया। What is the report showing, doctor? See this. Oh, that's really great. I think he has moved from catatonic stage to psychogenic amnesia level. Yeah. मैंने अपने करियर में ऐसा केस कभी नहीं देखा है। एक भूलने की बीमारी के मरीज का इलाज करके उसे सामान्य स्थिति में लाना और उसे 3 हत्याओं का गवाह बनाना बहुत बड़ा चैलेंज है, और मैं इसे चैलेंज के रूप में लूंगा और इस केस को सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप लोग एमनीसिया के पेशेंट को उसकी पुरानी जिंदगी भुलाकर नई जिंदगी शुरू करवा सकते हो। मल्टीपल ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन के अकॉर्डिंग हम उसके दिमाग को फिर से स्टिमुलेट कर सकते हैं। वैसे भी हमारे पास उसकी केस हिस्ट्री तो है ही, और हमें उसके अधूरे सपनों के बारे में भी पता है। इन दो बातों को ध्यान में रखकर हम साइकोड्रामा मेथड के जरिए से उसका पुलिस का रूप सामने ला सकते हैं। कौन हो तुम? मैं हूं पुलिस। यस, यू आर ए पुलिस। और तुम्हारा नाम क्या है? अरुण कुमार। तुम सब भूल के जिंदा लाश की तरह हो गए थे। सिर्फ एक बार तुम्हारे मुंह से पुलिस ऑफिसर और तुम्हारा नाम सुनने को मिला। फिर हमने 4 महीने तक तुम्हारा ट्रीटमेंट किया और तुम्हें एक पूर्ण पुलिस ऑफिसर बना दिया। तुम्हारे अंदर पुलिस वाली एक्टिविटीज जगाने के लिए झूठ कहा कि इस हॉस्पिटल में इलीगल एक्टिविटीज होती हैं और यहाँ पर स्टीफन राज छुपा हुआ है। किसी और को ढूंढने के चक्कर में तुम्हारे अंदर की पर्सनालिटी बन रही थी। असली स्टीफन राज की तो आज से 8 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। नो, मैं नहीं मानता। तुम सब मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। तुम मिल चुके हो और यहाँ की एक्टिविटीज पर पर्दा डालने के लिए मुझे पागल बना रहे हो। सी दिस, ये एक ओरिजिनल पुलिस बैच है। सी दिस, ओरिजिनल पुलिस बेल्ट, यूनिफॉर्म भी ओरिजिनल है ये। और ये देखो, इसे देखो, स्टार्स भी ओरिजिनल है। एवरीथिंग इज ओरिजिनल। जिस कमिश्नर ने मुझे अपॉइंट किया, अगर वो बताएंगे कि मैं पुलिस वाला नहीं हूं, तो भी मैं भरोसा नहीं करूंगा। सुनो, तुम एक पेशेंट हो और ये बात मैं बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, क्या तुम अब भी नहीं मानोगे? अगर वो भगवान भी आकर बोले कि मैं पेशेंट हूँ, तो मैं उस पर भी भरोसा नहीं करूंगा। तुम सब लोग मिलकर ड्रामा कर रहे हो और मुझसे बदला लेने की कोशिश चल रही है। मुझे रोगी बनाकर सारा नाटक खेला जा रहा है। सॉरी मिस्टर कुमार, यू आर रॉन्ग। हम तुम्हारा ट्रीटमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए, तुम्हें पेशेंट बनाने के लिए नहीं। ऐसा मैं क्या भूल गया बताओ। तुम हमारी माँ को भूल गए थे। तूफान के शोर में तुम्हें वो याद आई थी। माया को तुमने हमारे अलग होने की बात बताई और फिर तुम खुद ही भूल गए, और यही तुम्हारी बीमारी है। दैट इज योर डिजीज। तुम्हारे अंदर सुधार लाने और तुम्हारी याददाश्त को वापस लाने के लिए हमने माँ का एक कैरेक्टर बनाया और उन्हें तुमसे बात करने के लिए बोला। माँ? अगर तुम्हें लगता है कि तुमने खुद अपनी मर्जी से उनसे बात की थी, तो अभी करो, बात करो उनसे, फोन करो, कम ऑन। तुम्हें पता है माया ने तुम्हें हॉस्पिटल के बारे में क्यों बताया?
और तुम्हें किस वार्ड में लेकर के गई थी? वो इसलिए ताकि तुम अपने पास्ट को याद कर सको, जिसके बेटे का किडनैप हो गया था और वो पागल हो चुका था। किसी ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है सर, कैसे भी करके मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए सर। जब तुमने उस पेशेंट को देखा तो तुम्हें पुलिस की ट्रेनिंग के दौरान एक बच्चे को बचाना और अपनी लवर कैथरीन के साथ शादी और बाकी सब कुछ याद आ गया। शादी की रात तुम्हारी वाइफ गायब हो गई थी और तुम बाहर आए और डॉक्टर सुनील से जाके टकरा गए। क्या तुमने कैथरीन को देखा? कैथरीन को बाद में तुम उन सभी घटनाओं को भूल गए जो इस घटना से पहले घटी थी। यही तुम्हारी बीमारी है। तुम एक पुलिस वाले हो और मैं एक डॉक्टर हूं। तुमने खुद से मिलते जुलते एक आदमी को देखा था, कौन था वो? वो खुद तुम थे। साधारण अरुण कुमार जब खुद को आईने में देखता है तो पुलिस ऑफिसर इमेजिन कर लेता है, यही तुम्हारा कैरेक्टर है। लेकिन उस दिन जब तुम खुद पुलिस के वेश में थे और जब तुम आईने के सामने आए तो तुम्हारी कल्पना ने तुम्हें मरीज के रूप में दिखाया। फिर हमें चिंता हुई कहीं तुम फिर से अपनी बिगड़ी हालत में न पहुंच जाओ और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। उस समय तुम्हें वो घटना याद आ गई जब तुम रोगी बनके भागने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर, ये अपनी पुरानी सिचुएशन में वापस आ। फिर हमने तुम्हें शॉक ट्रीटमेंट दिया ताकि तुम सब कुछ भूल जाओ। फिर तुम्हारे अंदर के पुलिस को जगाने के लिए हमने एक ऐसी घटना का गवाह बनाया जहां एक बॉडी को दफनाया जा रहा था। जब तुमने हमसे सेल नंबर 33 के पेशेंट को दिखाने को कहा तो हमने तुम्हारी ही फोटो दिखाई। उसे देख के तुम्हें लगा कि यह तुम्हारा बड़ा भाई है और तुम्हारे अंदर के पुलिस का कैरेक्टर जाग गया। सेल नंबर 33 का पेशेंट कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। यस, यू आर द पेशेंट फ्रॉम सेल नंबर 33 ऑफ द इंसेंट वार्ड। हमें पता था कि तुम सेल नंबर 33 में वापस जाओगे तो हमने वहां पहले यह कायना रख दिया। तुम खुद को देख के डर गए थे और भाग के माया को सब कुछ बताया। माया, क्या तुम वो बात दोहरा सकती हो जो इसने तुमसे कही थी? ये सेल नंबर 33 से भागे बड़े सदमे में लग रहे थे, तब मैंने इनसे इस हॉस्पिटल और यहाँ के डॉक्टरों के बारे में नेगेटिव बातें कही। मैंने इन्हें शांत किया और बताया कि वो इस हॉस्पिटल के पीछे वाली बिल्डिंग में जाकर देखे। तब मैंने बताया कि यहाँ सभी डॉक्टर अच्छे हैं। वहाँ से लौटने के बाद इन्होंने ये इमेज बनाई कि मैं मर चुकी हूँ। इन्हें ये भी लगा कि ये डॉक्टर स्टीफन राज हैं। कैथरीन के साथ वाकई में क्या हुआ इसके बारे में वो अभी भी नहीं जानते हैं। That is his condition. तूने मुझे बताया था कि इस हॉस्पिटल में अच्छी चीजें हो रही हैं। सच में यहाँ पर अच्छी चीजें हो रही हैं? यहाँ के रोगियों को पीछे ले जाकर उनके साथ इलीगल कुछ नहीं होता? बिल्कुल नहीं। सेल नंबर 33 का पेशेंट मुझसे मिलता जुलता नहीं? बिल्कुल नहीं। तूने ही बताया था 33 का जो पेशेंट है वो मुझसे मिलता जुलता है। बोल। अरे ये सब बातें मैंने कब कही तुमसे? तूने नहीं बताया था कि तू इस डॉक्टर के कुकर्मों का पर्दाफाश करने के लिए मेरी हेल्प करेगी? अरे डॉक्टर, मैंने इससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, इसकी बातों पर भरोसा मत करो। क्या कहा तूने? मैंने तुम्हें इस हॉस्पिटल और डॉक्टरों के बारे में केवल अच्छी बातें ही बताई है। मेरी माँ ने मुझे एक दिन बताया था कि वो जरूर कुछ ना कुछ तुझसे छुपा रही है, उसकी बात पर विश्वास मत कर। लेकिन मैंने तेरी कई बातों पर विश्वास कर लिया और खुद बेवकूफ बन गया। तूने मुझसे सब कुछ छुपाया। मैंने तुमसे क्या छुपाया? जब मैंने तुझसे पूछा कि तू हमारी शादी की रात कहाँ थी तो तूने मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था बोल? क्या कहा था? तूने बताया था कि तू बिना किसी को बताए स्टीफन राज से मिलने गई थी। बताया था कि नहीं? बोल, बताया था कि नहीं? उससे फोन पर बात की थी और माँ के कहने पर। जब मैंने तुझसे पूछा तो तू क्या बोली? वो मेरा भाई है। हाँ, चर्च से मेरा भाई है। वो वही था जिसने मुझे चर्च की जिंदगी दी थी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। जब हमारी शादी हुई थी तब वो इस शहर में नहीं था, इसीलिए वो उस रात मुझसे मिलने के लिए आया था। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे बीच कोई गलत फहमी पैदा हो, इसलिए मैंने उसे उसी दिन वापस भेज दिया था। फिर उसने मुझे फ़ोन किया और तभी तुम्हारी माँ ने हमारी बातचीत सुनी।
प्लीज मेरा यकीन करो। A good understanding will never lead to misunderstanding. मैंने सोचा कि वो सच था, लेकिन मुझसे झूठ बोलकर तूने मुझे बेवकूफ बनाया कि वो चर्च में फादर है। झूठ बोला और मैं विश्वास कर बैठा कि वो चर्च का फादर है। तेरी हर बात पर भरोसा किया मैंने। इतना बड़ा धोखा कोई किसको कैसे दे सकता है? मैं अभी भी तुमसे बोल रही हूँ, मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं कहा। तो फिर उस दिन बेडरूम में तूने मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था? बोल क्या कहा था? तुम ही याद दिलाओ ना कि मैंने तुमसे क्या कहा था। मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ। जो भी मेरी माँ ने बोला था मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ याद है मुझे। बेडरूम में जो कहानी घटी मुझे सब याद है। हाँ। मैं तो बस अपनी फोटोज देख रहा था, क्या तुम देखना चाहती हो? अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम यहाँ मत आना, चलो यहाँ से जल्दी निकलो। मेरी सास ने हमारी बातें सुन ली थी और उन्होंने सारी बात मेरे हस्बैंड को बता दी। मैंने कैसे भी करके उन्हें मनाया। अब अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देखा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। प्लीज जाओ यहाँ से, जाओ। मैं कुछ देर तुम्हारे साथ रहूंगा फिर चला जाऊंगा। प्लीज कैथरीन। धोखेबाज सासुमा, देखिए आप गलत समझ रही हैं। सासुमा मेरी बात तो सुनिए। सासुमा दरवाजा खोलिए प्लीज, प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। सासुमा, सासुमा प्लीज दरवाजा खोलिए। अरुण, इसने जो भी कहा था सब कुछ झूठ था, इस पर भरोसा मत करना। क्या कह रही हो माँ? वो स्टीफन राज जैसे इसने बात की थी वो आज तेरे बेडरूम में है बेटा। हाँ? मैंने दोनों को बाहर से लॉक कर दिया, तो जल्दी आ जा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, कुछ नहीं बचा। अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। खुश होना, खुश होना, अब तो खुश होना। तुम बोलो, अब शांति मिल गई ना? ए भगवान, ये क्या हो गया? क्या हुआ माँ? माँ क्या हुआ? कमीना, रुक जा, मेरी बात सुनो। इसमें कोई गलती मेरी है। सुनो अरुण, अरुण मेरी बात सुनो। अरुण शूट मत करना। कैथरीन, ओके ओके, ही इज डेड। शांत हो जाओ। विष्णु, अरुण, मैं क्या तुम इन लोगों को जानते हो? बिल्कुल नहीं। तुम्हें भूला हुआ सब कुछ याद आ गया है, और यहां जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ तुम भूल चुके हो मेरे भाई। तुम गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए हुए पुलिस ऑफिसर नहीं हो, डॉक्टर के बनाए हुए पुलिस ऑफिसर हो। अब मुझे बताओ, स्टीफन राज और कैथरीन के साथ क्या हुआ था?
मैंने उन दोनों को मार दिया था। क्यों मारा? वो दोनों इस एल्बम को देखो। स्टीफन राज और उसकी बहन कैथरीन ने बचपन में ही अपने मां बाप को खो दिया था। अपनी बहन की देखभाल के लिए स्टीफन ने आपराधिक तरीकों का सहारा लिया, लेकिन जैसे ही उसकी बहन को इसका पता चला वो अलग हो गई और चर्च में रहने लगी। कई सालों तक दोनों एक दूसरे से नहीं मिले थे। फिर एक दिन एक पुलिस वाले को शूट करते हुए कैथरीन ने स्टीफन राज को देखा। उसने अपने भाई के बारे में तब किसी को नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले कि उसका भाई एक हत्यारा है। पुलिस के सामने सरेंडर करने का फैसला करने के बाद स्टीफन राज ने अपनी बहन से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन तुमने हर बात को गलत समझा। कैथरीन ने तुम्हें रोका क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई क्रिमिनल तुम्हारे हाथों से मारा जाए। वो नहीं चाहती थी कि तुम्हें कोई परेशानी हो। स्टीफन राज के बारे में मुझे उसकी ये डायरी पढ़ने के बाद पता चला। अगर उस दिन माँ ने हमारे पिता का दिया हुआ इन्विटेशन देखा होता तो उन्हें पता चल जाता कि वो उनकी शादी का इन्विटेशन नहीं है। ऐसे में वो कभी अलग नहीं होते। माँ के शकी स्वभाव ने पिता को हमसे अलग कर दिया और तुम्हारे शक ने तुम दोनों को अलग कर दिया। कैथरीन, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए केस चैलेंज था और आप डॉक्टरों ने इसे सुलझा दिया। ग्रेट सर।